है ना, तुरंत तेरे पास हटेगा ना जब काम चलेगा। ये भी नई खरीदेंगे आपकी? हाँ, ये अभी मैंने ली है 10 तारीख को। अच्छा, 13 तारीख को आई फार्म पे ये, इसी महीने 13 अगस्त को। ओके ओके। ये आपने कहाँ से खरीदी थी? सर ये हमारे अब मित्र बन गए हैं। ओके। पहले तो नहीं थे डील करने से पहले। अच्छा, पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, अब हमारे मित्र बन गए। इनका फार्म है बठिंडा के अंदर। ओके। बठिंडा का जो बस स्टैंड है वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, मानसा रोड के ऊपर। ओके। चहल स्टड फार्म। चहल स्टड फार्म, हाँ, निप्पी जी हैं, निप्पी चहल जी। उनसे लिए मैंने, शायद उनको तो मैं जानता भी हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, वो बहुत पुराने हैं, वो फादर हैं उनके और वो काम कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं। हाँ, नाइस बंदे हैं बिल्कुल। उनसे ली मैंने ये घोड़ी। ओके ओके। क्या नाम है इसका घोड़ी का? इसका नाम हमने वो रखा हुआ है, क्या नाम है इसका वाला, क्या वाइफ ने रखा है। बड़ा पहले वहीं से है नाम या आपने रखा है यहाँ पे? ये वाइफ ने रखा, यहीं पे रखा उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा आपको। कितनी एज की है ये? ये भाई साहब उन्होंने 8 साल की कह के दी है। अब देखो, शौर्या घोड़ा था कोई, शौर्या, हाँ, उसकी बेटी बताई है उन्होंने, तो मैंने उनसे तो फिर वही आजकल DNA वाला चल ही रहा है फंडा, आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा आप श्योर हो ना? कह रहा देखो रवि भाई, श्योरिटी की तो बात ऐसी है कि जिन लोगों से हम पिछले 9-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं राजस्थान से, ठीक है, उन्होंने हमें ये कह के दी है। मैंने कहा भाई साहब ये शौर्या की हो या मौर्या की हो, बिल्कुल अपने को पसंद है, सही है, अपन लेके जाएंगे। देखो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। लाइन कोई मैटर नहीं रखती है, बट आपको अगर एनिमल, जैसे आप कह रहे हो कि मेरे को तो एनिमल पसंद आता है। हाँ। देखो हर आदमी की, जो नया पशु पालक हो या पुराना हो, कोई खैर जो पुराने ब्रीडर है वो तो साहब लाइन वाइज चलते हैं। हाँ। उनको तो देखो, वो तो हमेशा लाइन का, जो लाइन ब्रीडिंग करते हैं वो तो लाइन का ही ढूंढेंगे, लेकिन नया जो बंदा है उनको मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आपको एनिमल पसंद आना चाहिए, लाइन उसके बाद में काम आती है। अब जैसे आप बता रहे हो कि मेरे को तो एनिमल पसंद आया कुल मिला के। हाँ। अब आप ये बोल रहे हो कि चाहे उसकी हो चाहे नहीं हो। हाँ। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल, वो सही बात ना, मुझे बेचनी है ये। अच्छा, मतलब उन्होंने जब बताया कि भाई हमने राजस्थान से ली, राजस्थान में किन के यहाँ से ली, ये कुछ आइडिया आपको बताया हो? नहीं, इतना मैंने डिटेल से बात भी नहीं करी। ओके। बाकी उन्हीं के पास एक घोड़ा है, जो अपना गैरी गिल जी के पास घोड़ा है दरोना। हाँ। दरोना का बेटा है उनके पास, जादू नाम का बच्चा है। ओके। उससे ये प्रेग्नेंट है 9 महीने प्लस की। अच्छा अच्छा। हाँ, जादू उनके पास ही है, देखा मैंने, अच्छा बच्चा है वो, हाइट अच्छी है, 65 प्लस है। ओके ओके। उससे ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो 9 महीने की प्रेग्नेंट है ये? हाँ, 9 प्लस है। उनके फादर साहब के पास डेट लिखी हुई है, मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में दे देगी बच्चा, ये दे देना चाहिए, 1-2 महीने में करीब दे देगी। क्योंकि अगर देखो अब उन्होंने बोला है तो विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल, सीधी बात है, जैसे अब मेरे पास बच्चा आया है लाल रतन का, कानों से पता लगता है। बिल्कुल सही है, कान दरोना के भी सही है। सही है सही है। अगर कान ओवरलैप मारेंगे तो जादू का है नहीं तो जादूगर का है, सीधी सी बात है। नहीं देखो देखो, ऐसा आप नहीं बोल सकते, अच्छे ब्रीडर है वो, मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, और अच्छा आदमी है, बढ़िया है, अपने यार बने हुए। आपको देख कह रहा, अभी पुराने आदमी की बात कहूँगा तो अभी फिर वही अपने जो पंजाब में अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो नाम वापस आएगा, इसलिए छोड़ो, अपने को क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आपकी घोड़ी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात है इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है घोड़ी की। हाँ, लेंथ अच्छी है, लेंथ में अच्छी है घोड़ी की, लेंथ में भी अच्छी है। बल्कि मैं तो आपके जो व्यूवर हैं, आपके चैनल वाले हैं, मैं तो उनसे बोलूँगा कि पंजाब में हर आदमी गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, मैं इसका रेट नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकियों का मैंने कर दिया क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई। कोई नहीं दिक्कत, अगर वो मुझे परमिट कर देते तो मैं कर देता, मेरी बात ही नहीं हुई उनसे, मेरे को याद ही नहीं रहा। सही है, मतलब ये एक पॉकेट मनी में घोड़ी आई हुई है, समझ गया मैं, मतलब एक रेंज में ना, एक नॉर्मल आदमी की जो घोड़ी खरीदने की रेंज है 3 से 5-6 लाख, ओके ओके, उसके अंदर ही आई हुई घोड़ी, मतलब एक आइडिया तो पता लगा ना। हाँ, और शौर्या की, हाँ, और शौर्या घोड़ा की, और तो शौर्या आज मतलब नाम किया है उस घोड़े ने। मैं इस बात से उनसे सेटिस्फाइड हूँ कि भाई निप्पी भाई जो सेल परचेज कर रहे हैं वो सब चीजों को देख के ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि भाई वो ठीक है 50-60 हजार मिले, लाख मिले, घोड़ी दे दी। सही है, नहीं देखो उसमें मजा है। हाँ, मैं इस बात की उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, उसी में मजा है। अगर हाँ, चलो भाई दो अब इसी के वो मानने लग जाए 15 लाख 15 लाख, तो हमारे जैसा आदमी कहाँ से लेगा? नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, कोई भी नहीं ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं खरीद। एक मध्यम मीडियम जो फैमिली से बिलोंग करता है वो आदमी नहीं खरीद पाएगा। नहीं मतलब उसका तो शौक ही मर जाएगा। अगर कोई जैसे कोई 35 लाख मांगे तो, हाँ 35 में तो फिर गरीब किसान। अगर कोई 35 मांगे तो वो तो फिर सपने में घोड़े देख के राजी हो जाएगा। हाँ, वही वाली बात है। मैं तो बल्कि लोगों को ये भी बोलूंगा कि ये सोच के तो इस लाइन में ही ना आए कि 11 लाख का बच्चा बिक जाएगा, 25 लाख का बच्चा बिक जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप अपनी 3-4 लाख रुपए बच्चे की एवरेज रखो, अच्छी घोड़ी अच्छे घोड़े से मैटिंग करा के। आपको अगर एक घोड़ी साल में 1-1.5 लाख रुपए दे दे, बहुत है, आपका शौक भी पूरा हो गया, 1-1.5 लाख रुपए मिल गए आपको। बिल्कुल सही है, और आपका खर्चा भी निकलता रहेगा। खर्चा भी निकला, अपने सारे खर्चे निकाल के आपको 1-1.5 लाख भी दे गई अगर घोड़ी, तो आपको देखो ना 12-13 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं, मौज है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। सही फरमाया आपने कि पंजाब में हर आदमी, और पंजाब की छोड़ो कहीं भी कोई से भी स्टेट में देख लो, हाँ? हर आदमी गलत नहीं है। नहीं हर पर गलत, कुछ गलत लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम होते हैं, मात्र कुछ लोग। बिल्कुल सही है, गलत भी नहीं बोलता, टुच्चे बोलता उनको। बिल्कुल सही बात, लाइन को ही खराब कर दिया उन्होंने। जैसे वो टुच्चे वाली हरकतें करते हैं, हाँ टुच्ची हरकतें होती है उनकी। हाँ, अब जो तारीफ वाले आदमी, मैं भाई साहब बताऊं, मेरे को 4 महीने इस लाइन में हुए घोड़ियां खरीदते, 4 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ। बिल्कुल, मेरा क्या रिश्ता निप्पी से? सही है, हाँ सही है। 4 साल में चीज दिया तो पीठ पीछे तारीफ सुन रहा है अपनी। बिल्कुल सही है, लाखों लोग उसकी तारीफ सुन रहे हैं। बिल्कुल, जो अच्छी चीज देगा उनकी क्या दिया मुझे परम शेरगिल ने? एक बच्चा दिया ना मुझे, पैसे दिए, बच्चा लिया। बिल्कुल ठीक है, अगले की पीठ सुनती है। बल्कि कल मैंने उसको बोला, उसके पास से एक बच्ची बिक गई। मैंने कहा परम जी आपने वीडियो शूट कराई थी 2 महीने पहले, मैंने कहा मैंने आपको 25 फोन करे, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, वरना वो बच्ची मुझे लेनी थी। सही है, तो वाली बात है, किस्मत में नहीं थी। ये वाला बच्चा एक फोन पे, और ये भी साहब देखो किस्मत से ही मिलते हैं। हाँ, मेरे मन में था पता नहीं कितना घमंडी आदमी यार फोन नहीं उठाता। कल गया हूँ, बेचारे इतने बढ़िया तरीके से पेश आए, सब कुछ आए, वो भी अच्छे ब्रीडर हैं। खैर अच्छे ब्रीडर है साहब, पंजाब में जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ अच्छे ब्रीडर है वो भी, और बढ़िया आदमी है, साथ देने वाले हैं। अभी ये देखो, ये देख लो कितने पुराने ये डले हुए, आप देख रहे हो एसेसरी इनकी। हाँ 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 हाँ, ठीक है सही है। मैं कह रहा हूँ मुझे एसेसरी खरीदने का टाइम नहीं है। मेरे दिमाग में ये था कि ये जगराओं वाला मेला लगेगा अगस्त में, इसमें एसेसरी लूंगा जाके पेट भर के, 2-4 लाख रुपए की एसेसरी खरीदूंगा। अब वो कैंसिल हो गया, हम फिर भूखे पेट। सही है। अब कल परम भाई से मैंने बोला, मैं यार आप कहाँ से लेके आते हो, मगर मुझे भी दिलाओ। सही है, कह रहा है यार तू कमरे में जो तुझे लेना ले जा, उठा के काठियाँ कुठियाँ जो तेरे को पसंद है तू ले जा। सही है, सही तो है, वो होती है दिलेरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दिलवा पंजाब में ठीक है। कई तो ऐसे हैं कि वो ये भी निकाल लेते हैं, उनका बस चले तो धागे से घोड़ी बांध के देते, ले जाओ। कितने की आती है जी? नहीं, देखो ये बहुत सी तो घोड़ी खरीदते साले, देखो इसको ये नहीं दिया जा रहा। देखो इसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते, ये क्या होता है देखो मैं बताऊँ आपको, बहुत से घोड़े वाले ऐसा मानते हैं कि साहब लगाम और ये घोड़े की अपन देते नहीं है। भाई साहब फिर पुरानी क्यों डाल के दे देते हैं? बिल्कुल वो गलत है, या वो तो दो ही मत। बिल्कुल, ये अगर उसूल डील हो रही है, अगले को आप बोलो भाई साहब अपनी लगाम लेके आना, नए आदमी को क्या पता। सही है, देखो आपके मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हमारे राजस्थान में अगर कोई घोड़ी या कुछ घोड़ा बिकता है तो उसके साथ में कुछ नहीं देते साहब, लगाम भी नहीं देते, क्योंकि वो ऐसे कुछ कहावत है, उनका खूटा ऐसा कुछ बोला जाता है। वो देखो सबकी अपनी परंपरा है। हाँ बिल्कुल, वो परंपरा के हिसाब से मेरे ख्याल से चलता है। अगर राजस्थान में राजस्थान का बायर आ रहा है तो समझ में आता है, उसको पता नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिल्ली से बाबू चला गया टाई लगा के, अब बोले राजस्थानी बाबा अपनी टाई से ले जाओ बांध के। सही गुस्सा आएगा ना। सही बात है, सही बात है। आपकी बात जायज है साहब जो आप बोल रहे हो। अब नए बंदे को तो पता ही नहीं है कि साहब मेरे को यार रस्सा भी यहाँ से लेके चलना पड़ेगा या कुछ लेके चलना यार पड़ेगा। देखो परंपराएं हैं, अब जैसे हमारे बच्चे हैं, हम गांव में पैदा हुए, 100 परंपराएं हम जाते हैं करते हैं। अब बच्चों को बोलते हैं वो कर नहीं पा रहे ढंग से। बिल्कुल नहीं कर पाता है। अब बच्चे मन में कहते हैं यार पापा पहले तो तुमने बताया नहीं, अब बोल रहा है यहाँ टीका लगा दो, यहाँ रख दो, यहाँ चावल रख दो, तो वाली बात है। सही बात है, सही बात। तो ये घोड़ी भी आपने पंजाब से लिए हैं? हाँ, ये निप्पी भाई की गिफ्ट है, बहुत अच्छी घोड़ी है साहब। गिफ्ट नहीं है, निप्पी भाई ने सस्ती दी है, मुझे गिफ्ट बराबर ही पड़ गई। बिल्कुल सही। नहीं चलो आपने एक आइडिया तो बताया भाई, एक अच्छे घोड़े की सोई या घोड़ा की एक घोड़ी जो मतलब आपको इस रेट में मिल जाती है, ताकि इससे क्या है और लोगों को भी आइडिया होगा। जो अपने चैनल पे जो नए व्यूवर्स है जो जुड़ना चाहते हैं घोड़ा लाइन में, उनको एक आइडिया तो हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, कि यार इतने रुपए तक भी अपने को घोड़ा, अपने एक पशुपालक बन सकते हैं मतलब आराम से। देखो आपको मेरे हिसाब से अगर आप किसी फ्रॉड के नहीं टकरे हो। बिल्कुल हाँ सही है, तो आपको 2 से 3 लाख रुपए में अच्छा बच्चा, लाइन नहीं कहता, हाँ बिल्कुल से अच्छा बच्चा 6-7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का आपको मिल जाएगा, मिल जाता है, मिल जाता है। सही है, और कई ऐसे उसी बच्चे के 11 लाख रुपए मांग रहे हैं। बिल्कुल होते हैं। और पता क्या कहते हैं, भाई साहब ले जाओ, एक साल बाद 35 का है। वो 35 का तो भाई तू रख लेना। अच्छा ऐसा भी होता है मार्केट में? हाँ, मेरे से बोला आप 10 लाख का बच्चा खरीद लो, 14 का आ रहा है, 1 करोड़ का बेच दूंगा। अच्छा वापिस मैं ही बेच दूंगा? नहीं, बेच दूंगा 1 करोड़ का। मैं अपने मन में कह रहा, मैंने कहा तू इतना बड़ा घोड़ेबाज है, तेरे पास 10 लाख रुपए नहीं। और फिर मुझे पता क्या कह रहा साथ में, भाई साहब देख लो फिर आप 10 लाख दे दो, 25 लाख वो कर लो कि 10 के 25 दे दूंगा आपको 6 महीने बाद, फिर मैं करोड़ का बेचूंगा, बोलना मत कुछ। मैंने कहा यार मतलब वो इनका वो टारगेट होता है कि यार ग्राहक को कैसे फंसाए, मतलब कुल मिला के। हाँ, बस ये ग्राहक यहाँ से पैसा, तो देखो जिसका काला सिर है ना वो लालची तो है ही। बिल्कुल सही है। अब ये जो फ्रॉड होता है विश्वास में ही होता है, विश्वास में होता है साहब। अब जब आप पे मैं भी, आप मेरे से बोले भाई साहब मैं चीज दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा, जब मैंने हाथ पैर छोड़ दिया तो आप दिलाओगे ना। बिल्कुल सही है। अगर आप ईमानदार हो तो ठीक दिला दोगे, अगर बेईमान हो तो फिर ले आओगे। ये चीज नहीं मिलनी दोबारा, विश्वास में होता है। हाँ, विश्वास में विश्वासघात होता है। देखो घोड़ा लाइन में मैं तो यही कहता हूँ कि आप विश्वास किसी के बाप पे मत करो। आजकल देखो विश्वास का टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। अब मतलब काफी परसेंट नहीं है, लेकिन अब इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें 2-4-5 लोग अच्छे चूज कर लो जो मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अब हमारे साथ भी हमारा दिल्ली में ग्रुप बन गया है। ओके। हमारे 3-4 लोग ब्रीडर हैं, बिजनेसमैन है, शौकिया ब्रीडिंग करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी चीज लेनी है फोटो भेज देनी। अच्छा किसी के कॉन्टेक्ट राजस्थान में अच्छे हैं तो वो मुझे बोलेगा कि अब कोई एक वीडियो आई शायद वो भी आपने ही करी, ओके, एक अबलग घोड़ी की बच्ची की, अभी लेटेस्ट में रुद्राक्ष की बच्ची, रुद्राक्ष। हाँ बिल्कुल मैंने की वो अबलग बच्ची की, बिल्कुल बिल्कुल वो बात है 12-13 तारीख की। हाँ अभी लेटेस्ट में किया है मैंने वो वीडियो। हाँ तो उनके पास ना रुद्राक्ष का बच्चा है यहाँ दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। 12-14 महीने का बच्चा भाई साहब, खड़ा नजर आता है कि बच्चा है। ओके ओके। उम्मीद कलर का। मजाक में हमने बैठे बैठे उनके ना 25 लाख रुपए लगा दिए उस बच्चे के। मुझे उम्मीद पसंद है, बोला थोड़े कम है। मैं कहा 35, कह रहा थोड़े कम है। मैं कहा तने देना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने रुद्राक्ष का बच्चा देखा। अब उसने जब बोला कि ये रुद्राक्षी बच्ची है, तो मैंने बोला रुद्राक्षी बच्ची अबलक मिल रही है, मैंने कहा रीजनेबल लगती है, मिल जाएगी। सही है। तो बोला मेरे को वीडियो भेज। उसने वीडियो भेजी, मैंने उसको वीडियो भेजी, उसने देखी तो उसमें वो बच्ची की नेक छोटी थी उसके हिसाब से। अच्छा। बोला बच्ची उनके हिसाब से मतलब नेक छोटी थी। हाँ। बोला नो डाउट बच्ची अच्छी है, बट नेक छोटी है भी रुद्राक्ष की, मैंने कन्फर्म कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो क्या है कि हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो सहयोग होना चाहिए। ठीक है। अब कोई चीज है, अब उनको वो बहुत ऊंची घोड़ी मांग रहे हैं, कोई बहुत ऊंची, मुझे नीली घोड़ी चाहिए। अच्छा अच्छा। अब परम शेरगिल जी के पास एक 70 इंच की नीली बच्ची खड़ी है, 2 दांत। ओके, 2 दांत में 70 इंच की। मैंने रात को फोन लगाया, मैंने कहा आखिरी मौका है। हाँ, सही है। मैं गब्बर ले ले, इसके बाद नहीं मिलेगी तेरे को, क्योंकि कोई चीज कहीं खड़ी होती है। बिल्कुल सही है। हाँ चलो ठीक है सर, चलो ले, बढ़िया। गोविंद लेके जाए इसको। थैंक यू। ये हमारे हैं गोविंद, फार्म संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिलो गोविंद। अब आओ गोविंद। कहाँ के हैं भाई साहब ये हमारे दिल में रहते हैं आजकल, ये यहीं इसी पासपोर्ट पे रह रहे हैं ये। अब ये आया भाई साहब। अच्छा। मैं आप वीडियो तो लंबी हो जाएगी, 1-2 मिनट में ही सुनाता हूँ। मैंने वो काली घोड़ी ली असलम से। अब असलम ने वो घोड़ी ले ली, मैंने 15 दिन का बोला, महीना हो गया। अब फार्म तैयार नहीं हो रहा। असलम मेरे से बार-बार फोन करे, बाबूजी घोड़ी लेके जाओ, बाबूजी घोड़ी लेके जाओ। मैंने कहा असलम यार क्या हो गया, मैं कहा तू 10-5 दिन और नहीं निकाल सकता मेरे? बोला बाबूजी देखो आपकी घोड़ी है प्रेग्नेंट और मेरा फर्श है पक्का। सही है। और मैंने गाय और भैंस भी बांध रखी है, कल को घोड़ी स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, बच्चे में कुछ दिक्कत हो जाए, तो आप सोचोगे कि मैंने दिल से रखी नहीं घोड़ी। सही बात है। ठीक है, मेरे को उसकी बात भी समझ में आई। फिर मैंने दोनों घोड़ियां मंगा ली जी रात को। 25 अप्रैल की आई है मेरे ख्याल रात को। अच्छा। 26 की सुबह, वही 8 नंबर अपना 13-8। अब भाई साहब हमने वो घोड़ी लिया, पहली बारी मैंने घोड़ी पकड़ी, घोड़ी का काम करा। अब हम परेशान काम वाले के लिए। अब ये किस्मत से ही आ गया 14 दिन बाद। अच्छा। ये मुझे बोला बाबूजी मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है घोड़ों का। मैंने कहा बेटा मैं भी 14 दिन पुराना ही हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, 14 दिन पुराना हूँ। मैंने कहा बस घोड़ों के साथ एक कॉन्फिडेंस रखियो, बस घोड़े से डरियो मत। हाँ सही है। चाहे साला लात भी मार दे, काट भी ले, बस डरियो मत। अब ये है कि अब ये सारा यही संभालता। अब तो मैं कई बार मुझे 5-5 दिन भी टाइम नहीं लगता तो मैं नहीं आता, मुझे कोई टेंशन नहीं है मुझे पता गोविंद संभाल लेगा। चलो अच्छी बात है, एक अच्छा आदमी आपको मिल गया। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, मैं तो इसके मुंह पे ही कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं 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 अच्छा आदमी अच्छा है, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं। ठीक ओके।